मेरा बहुत इच्छा थी कि सोनल मानसिंह जी का नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आए, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे देश की कल्चरल आइकॉन है और उनका नाम इसमें दर्ज होना चाहिए जरूर. Someone like her deserves this honor, and someone like this actually is a part of this honor. Or fortunately, my connection was Divakar sir se Santosh ji ke saath mein, and I'm so glad that when I bola Sonal Mansingh naam liya, they said of course yes, and immediately it happened. It's just that kuch time laga isko pura ek saal aane ke liye, sabki dates match karne ke liye. But I'm so honored and privileged ki I'm a part of this. I'm a bridge between these two wonderful people, and thank you so much for making a part of this. And I'm so honored today and so glad that this has happened. Thank you. It's because of you. No, I think it's just because absolutely. Of dance deserves it, the culture deserves it, aur hamari jo nitya hai, hamare yahan ka sanskriti hai, it deserves to be part of World Book of Records. And through her, I think that's the best way. Well, jab bhi main Sonal ji se mila hoon, I think that has been a learning lesson for me. मैंने उनका डांस फॉर्म नहीं सीखा मैंने, बट आई थिंक मैंने जिंदगी के बारे में सीखा है. दैट्स वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मुझे सिखाती हैं. दैट्स वाई आई कॉल माई मदर, बिकॉज जो माँ होती है वो इंसान को हर बात की शिक्षा देती है. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट द कल्चर, इट्स ऑल्सो अबाउट द वैल्यूज. आई थिंक दैट्स वॉट शी हैज टॉट मी, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट. एवरी वर्ड दैट शी हैज स्पोकन टू मी हैज एस्ट मेमोरीज इन माई लाइफ, एंड विल ऑलवेज रिमेन विद मी. भारतीय संस्कृति है, इसे संभालने के लिए मेरी बहुत कोशिश रही है. मैं बहुत कॉन्शियसली सो कॉल्ड फिल्मी डांसेस से दूर रही हूँ, क्योंकि मैं कथक नृत्यांगना हूँ. तो ऑफकोर्स फॉर मी इट्स अ ग्रेट ग्रेट फीलिंग टू हैव होस्टेड दिस इवनिंग फॉर अ लेजेंडरी पर्सनैलिटी लाइक सोनल मैम. सो विशिंग हर अगेन, गिविंग हर लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वॉर्म रिगार्ड्स, एंड विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट, एंड होपिंग कि वो हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसे और भी उज्ज्वल बनाए. देयर आर इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. आई वाज टोटली स्पीचलेस जस्ट लुकिंग एट हर, लिसनिंग टू हर, एड्रेसिंग ऑल ऑफ अस. देयर सो मच टू लर्न, एंड हर ह्यूमिलिटी, हर हम्बलनेस, द स्पार्क दैट शी यू नो रेडिएट्स व्हेन शी इज अराउंड. आई मीन देयर इज नो वर्ड्स दैट वन कैन एक्चुअली डिस्क्राइब.